सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रोने लगी फूट फूट कर रश्मि देसाई। एक इंटरव्यू के दौरान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है रश्मि देसाई। नमस्कार, मैं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। 14 जून एक ऐसा दिन रहा है जिसकी वजह से लोग आज तक सदमे में हैं। इस दिन ने बॉलीवुड में वो आंधी चला दी है जो काफी समय से, काफी सालों से चल रही थी, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। वो आंधी है नेपोटिज्म नाम की। सुशांत सिंह राजपूत के बाद में लोग खुलकर सामने से बात कर रहे हैं नेपोटिज्म को लेके, फिर चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, हर कोई बात कर रहे हैं आज के समय में नेपोटिज्म को लेके। टीवी इंडस्ट्री से भी नाता जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सुशांत सिंह राजपूत का नाता रहा है टीवी इंडस्ट्री के साथ। इसीलिए बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा इमोशनल है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। हाल ही में रश्मि देसाई ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान रश्मि देसाई से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत के सवाल पूछे जाने पर रश्मि देसाई ने कहा, क्या इन सवालों का कोई मतलब है? इतना ही जवाब दिया था कि रश्मि देसाई फूट फूट कर रोने लगी। और उसके बाद रश्मि देसाई ने कहा कि मैं मानती हूँ कि सुशांत एक टैलेंटेड एक्टर थे, साथ ही उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब इस बारे में उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है जब हम उनको खो चुके हैं। बात की जाए अगर नेपोटिज्म की तो नेपोटिज्म हाँ सब जगह पर है, सुशांत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कुछ इस तरह से जवाब दिया उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर। क्या कहना चाहेंगे उनके जवाब को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह की इस रियाद के लिए, क्योंकि आज भी उनकी मौत को 3 हफ्ते हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो रोजाना कोई ना कोई उनकी कोई फोटो, कोई वीडियो, फिर चाहे वो बॉलीवुड से हो या टीवी इंडस्ट्री से हो, हर कोई सोशल मीडिया पर शेयर करता ही रहता है। आपकी क्या याद है सुशांत सिंह राजपूत को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।